हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है जीरा चंबा की घाटियों के बारे में पढ़ा था, तो आज जो हम अपनी नई वीडियो में जो है लाहौल स्पीति जिले की मुख्य घाटियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रा घाटी को, जो हम रंगोली घाटी भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बात बता रहा था आपको, चंद्रा घाटी को जो हम रंगोली घाटी भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वन जो हमारी भागा घाटी, इसको जो हम गारा घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। भागा घाटी जो है, इसका ऊपरी क्षेत्र जो है वो हमारे ठंडे मरुस्थल की तरह ही है, ठीक है। और जो हमारी चंद्रा घाटी जो है, और चंद्रा नदी के जो हमारे तट पे जो हमारा लाहौल स्पीति का मुख्यालय है केलांग, इस घाटी के जो है साथ ही वहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, वहीं स्थित है, ठीक है, नज़दीक किनारे पे। बोलने का मतलब जो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है केलांग, वह इस नदी के किनारे में ही स्थित है, भागा नदी के किनारे में ही स्थित है, ठीक है। बात करूँगा मैं चंद्रभागा घाटी, और ये सबसे चंद्रभागा घाटी जो है ये लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी है, और ये जो है बिल्कुल निम्न स्तर पर, यानी कि चंद्रभागा नदी के साथ साथ ही जो है ये तांडी नामक स्थान से लेके जो हमारे उदयपुर का जो स्थान है वहाँ तक ये घाटी जो है फैली हुई है। कहाँ से? तांडी से उदयपुर तक, ठीक है, ये हमारी चंद्रभागा घाटी जो है फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपने, और ये लाहौल स्पीति की जो सबसे उपजाऊ भूमि भी है, ठीक है। बात करूंगा पटन घाटी की, तो पटन घाटी जो है आलू के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बोलने के मतलब पटन में जो है बहुत ज्यादा आलू उगाया जाता है, इतना ज्यादा तो नहीं, पर लाहौल स्पीति की जो प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बात करूंगा पिन घाटी, तो लाहौल स्पीति में हमारे की जो है पिन नेशनल पार्क भी है, इस पिन घाटी में ही वो स्थित है, ठीक है। बात करूंगा स्पीति घाटी, ये भी हमारे लाहौल स्पीति में, कहाँ? लाहौल स्पीति में ही है। तिनान घाटी हमारे लाहौल स्पीति जिले में है। बात करूंगा लाहौल घाटी जो हमारे यह घाटी चंद्रभागा घाटियों के मिलने से बनी है, घाटियों के मिलकर बनी हुई है। इस घाटी के ऊपरी भाग में जो ये जो हमारी ऊपरी लाहौल स्पीति की जो ऊपरी घाटी जो है ये, इसमें जो आबादी कम है, ठीक है। और ये ऊपरी घाटी का क्षेत्र जो है हमारे चंबा का जो पांगी क्षेत्र है उसके साथ जो है मिलता है, ठीक है, उसके साथ थोड़ा मिलता हुआ है। और यहाँ पे जो ये सबसे ज्यादा हाइट में होने की आबादी है, नहीं तो यहाँ पे जो गद्दी लोग रहते हैं, गद्दी लोग आपको पता तो ये अपनी भेड़ बकरियां चलाते हैं, तो ऊपर ऊपर के क्षेत्रों में, पहाड़ी के ऊंचे ऊंचे टॉप वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये लाहौल घाटी है, ठीक है। ये जो हमारे चंद्र भागा के दोनों के मिलने से इस घाटी का निर्माण हुआ है, तो इसको लाहौल घाटी का नाम दिया गया है। अगली हमारे लिंगटी घाटी बहुत बार जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, पेपरों में पूछी जाती है, तो लिंगटी घाटी भी हमारे लाहौल स्पीति में स्थित है, जिला लाहौल स्पीति में। लास्ट है हमारी मुलंग घाटी भी लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है। इन घाटियों में से सबसे ज़्यादा पटन घाटी, पिन घाटी और हमारी लाहौल घाटी, लिंगटी घाटी और चंद्रभागा घाटी, ठीक है, इन घाटियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगली वीडियो में हम अगले जिले की घाटियों के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और ये सांगला घाटी कौन से जिले में है, ठीक है, तो इसके में आप कमेंट करें, सांगला घाटी कौन से जिले में, आप सब लोगों के लिए है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I'm gonna go get some more.